पार्टी का ये कहना है कि परफॉर्मेंस बेस पे जो निर्णय लिए गए हैं नहीं परफॉर्मस बेस पे लिए गए तो आठ तारीख को जो नतीजे हैं वो बता दिए जाएंगे जो आदमी चौरानबे हजार वोट लेकर आया था जिस आदमी के पास जिस आदमी के ऊपर पांच साल में कोई भी एलिगेशन नहीं है जिस आदमी ने हमेशा जनता के बीच में रहा है आज आप विधायक के घर में बैठे हो आपको लग रहा है ये कहीं से एम का घर होगा जिन लोगों को आपने टिकट देने की बात करी है उनके पास नरेंद्र शर्मा से फालतू क्या था सिर्फ पैसा ही तो होता जब पंद्रह में चुनाव में जो अपनी जमानत नहीं बचा पाया जिसको सोलह हजार वोट मिली थी और मुझे चौरानवे हज़ार वोट मिली थी अगर में के आधार पर अगर आम आदमी पार्टी जीत रही थी, तो किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते आपने धन के बल पर क्योंकि मुझे मनीष सिसोदिया जी ने अपने घर पर बुला के बोला है कि आपके यहाँ से बीस इक्कीस करोड़ रुपया लेकर राम सिंह नेता टिकट चाह है आप पार्टी की फाइनेंशली कितनी मदद करेंगे मनकी जी जहाँ करोड़ों में बात हो रही हो तो मैं तो सोच भी नहीं सकता जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर पैदा हुई है भाई आज से पाँच सात साल पहले आपकी भी कोई हस्ती नहीं थी हाँ जी आप भी एक थैला लटका के घूमते थे पत्रकारिता करते थे मनीष जी और मेरी भी कोई हस्ती नहीं थी इस जनता ने बनाया है जिन एमएलए को तुम कह रहे हो वो ईमानदारी से कहाँ से ला के दे देगा पैसा किसी ठेकेदार से मांगेगा किसी भूम कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके बेईमानी करके देगा मनकी जी मैं तो पैसा नहीं दे सकता उन्होंने मेरे से दस करोड़ रुपए की डिमांड करी थी तो मैं उसी दिन उनसे मना करके आ गया था और जब तक कोई टिकट विकट डिक्लेयर नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया था तो ये साफ होता है कि आपका जो टिकट कटा है वो इस वजह से कटा है कि आपने पैसे नहीं दिए हैं हाँ एक्चुअली जहां से मोटा बैग गया है वहां इन्होंने टिकटें काटी हैं परफॉर्मेंस कुछ नहीं है भाई तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो लोकसभा में तुम तीसरे नंबर पर क्यों थे अगर तुमने लोगों के काम किए होते तो तुम्हारा लोकसभा में तीसरे नंबर पे क्यों थे मैं तो यहाँ फिर भी दूसरे नंबर पे था